जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन कंक्लूड की थी डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर, और हमने यहाँ पे बात की थी कि जो डीएसपी एससी सिग्नल होता है उसको आप टाइम डोमेन में यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1/2 स्पेक्ट्रम ऑफ योर मैसेज सिग्नल सेंटर्ड एट एफ सी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल सेंटर्ड एट माइनस एफ सी। और हमने ये कहा था कि टाइम डोमेन में अगर आपके पास सिग्नल जो है, फॉर एग्जांपल उसकी शेप फॉर एग्जांपल इस तरह की है, दिस इज़ योर मैसेज सिग्नल, तो टाइम डोमेन में आपका जो कैरियर है इट विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल जिस तरह आपके पास ये नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आपके पास मैसेज सिग्नल इज़ लाइक दिस, दिस इज़ योर मैसेज सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका ये जो स्पेक्ट्रा है ये शिफ्ट हो जाएगा एफ सी के ऊपर और माइनस एफ सी के ऊपर, और इसका अगर एम जो मैग्नीट्यूड है वो अगर ए है तो दिस विल बी ए बाई टू। तो ये मेरा फाई ऑफ एफ का स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो फिर हमने बात की थी कि डीएसपी एससी का जो हमारा वेरिएंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, डीएसपी एससी, इसको जनरेट करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन, आप एक मल्टीप्लायर यूज़ कर लें, या फिर आप एक नॉन लीनियर डिवाइस यूज़ कर लें, या फिर आप एक स्विचिंग सर्किट यूज़ कर लें, ठीक है। फिर हमने एंड पे बात की थी कि डीएसपी एससी को डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं। हमने इसमें बात की थी कि जो इसका डीमॉड्यूलेटर है इट इज़ बिल्कुल एक मॉड्यूलेटर की तरह है प्लस एक लो पास फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था, और हमने यहाँ पे एंड पे जो बात की थी वो थी कि हमारे पास डीएसपी एससी के केस में जब हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं तो हमें कोहेरेंट डिटेक्शन जो है ये हमें रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जो आपका लोकल ऑसिलेटर टीएक्स पे है और लोकल ऑसिलेटर आरएक्स पे, दे मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। अगर ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होंगे तो आपके पास जो डिटेक्शन है वो सही नहीं होगी। सो फॉर डीएसपी एससी वी नीड कोहेरेंट डिटेक्शन। तो और अगर हमारे पास इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो हमें कुछ इस तरह के सिस्टम्स चाहिए होंगे, जिस तरह ये फेज लॉक लूप, हमने एक छोटा सा एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि हम फेज लॉक लूप जैसा एक सर्किट यूज़ करते हैं जो कि आपके फेज को या फ्रीक्वेंसी को लॉक करता है, या यू कैन से उसको ट्रैक करता है ताकि आप उस डिफरेंस को रिमूव कर सकें। लेकिन अगर आप ये डिफरेंस रिमूव करना चाहते हैं तो इन दैट केस यू नीड टू हैव सम एडिशनल यू कैन से सर्किटरी इन योर रिसीवर। तो जाहिर बात है जब आप उसके अंदर सर्किटरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आपके रिसीवर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड वेरिएंट, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम डीएसबी एलसी भी कहते हैं, इसको हम फुल एएम भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इस मॉड्यूल इस वेरिएंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी क्विकली जंप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो यहाँ तक हमने अपनी लास्ट बात को कंक्लूड किया था दैट सक्सेसफुल डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसपी एससी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इट रिक्वायर्स एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द लोकल ऑसिलेटर्स, तो इसको हम सिंक्रोनस डिटेक्शन भी कहते हैं या कोहेरेंट डिटेक्शन भी कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म्स जो है विद सप्रेस्ड कैरियर दे रिक्वायर फेयरली कॉम्प्लेक्स सर्किटरी एट द रिसीवर टू अक्वायर फेज या फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन। जिस तरह भी हमने बात की कि कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए आपको एडिशनल सर्किटरी चाहिए होती है, और ये एडिशनल सर्किटरी जो है ये आपके जो रिसीवर्स हैं उनको एक्सपेंसिव बना देती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ तरह का एप्लीकेशन है
यहाँ पे आपके पास ट्रांसमीटर तो एक है या थोड़े से ट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन आपके पास जो रिसीवर्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास है एएम रेडियो की। एएम रेडियो जो है ये इसी तरह ये जिस तरह आप अपनी गाड़ी के अंदर अपने एएम सिग्नल्स को आप रिसीव करते हैं, तो आपके पास एएम और एफएम रेडियो जो है ये तो बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। इवन के लोगों की वॉचेस के अंदर रेडियोज़ होते हैं, जो डिजिटल वॉचेस हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में रेडियोज़ हैं, गाड़ियों में रेडियोज़ हैं। आप वैसे भी एक बहुत ही चीप एक रेडियो डिवाइस जो है वो भी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो जब आपके पास यूज़र्स जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो, तो जब भी आप ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इट मेक इकोनॉमिक सेंस कि आप रिसीवर को सिंपल एज पॉसिबल रखें ताकि लोगों तक उसकी रीच बढ़ सके। तो अगर हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किटरी बीच में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं जो फेस को या फ्रीक्वेंसी को रिकवर कर सके, तो ऑब्वियसली जो रिसीवर की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इन ऑर्डर टू कीप द रिसीवर कॉस्ट यू कैन से लेस, तो हम क्या करते हैं, हम एक सेकेंड वेरियंट को करते हैं कि अगर हम अपने मॉड्यूलेशन स्कीम में ये थोड़ी सी चेंजेस कर दें तो हमारे पास रिसीवर की जो कॉस्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगी या वो सिंपल ही रहेगी। तो सो टू फैसिलिटेट सिंपल डीमॉड्यूलेशन वी कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सेपरेट कैरियर टर्म इन द सेम फ्रिक्वेंसी बैंड एज DSBSC। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मसला तो हमें कैरियर से है कि जिस कैरियर के साथ हमने सिग्नल को रिकवर करना है। जिस तरह हमें पता है कि ट्रांसमीटर साइड पे आपका जो मैसेज सिग्नल है आप उसको एक कैरियर से मॉड्यूलेट करते हैं, तो आपको यहाँ पे MOFT कॉज ऑफ ओमेगा CT सिग्नल मिल जाता है। और रिसीवर पे आपने इसी कैरियर के साथ इसको डीमॉड्यूलेट करना है और फिर आपने एक लो पास फिल्टर से गुजारना है, तो आपको इधर MOFT दोबारा मिल जाएगा। तो अभी हमें प्रॉब्लम ये है कि ये कॉज ऑफ ओमेगा CT इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज दिस कॉज ऑफ ओमेगा CT। लेकिन जैसा हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आपके पास जो चैनल है, चैनल की वजह से भी आपके पास से कैरियर के अंदर डिले आ जाता है, ठीक है। तो हमें रिसीवर पे कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रू कैरियर जो कि हम यूज़ करें, तो हमें कोई कोहेरेंसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये जो हमने मैसेज सिग्नल सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट किया है, जिसे हम MOFT कॉज ऑफ ओमेगा CT कहते हैं, दिस इज़ माय मॉड्यूलेटेड सिग्नल Φ(T), तो हम क्या करते हैं, हम इस सिग्नल के साथ अपने कॉज ऑफ ओमेगा CT को साथ में ट्रांसमिट कर देते हैं। जो कैरियर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही कैरियर हम इसमें ऐड भी कर देंगे। तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास ये मैसेज सिग्नल आ रहा है, आप इसको एक कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉज ऑफ ओमेगा CT के साथ, और यही कैरियर आगे जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। सो इसकी जो आउटपुट होगी इट वुड बी MOFT कॉज ऑफ ओमेगा CT प्लस कॉज ऑफ ओमेगा CT, तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप अब ये काम कर लें तो अब आपके पास जो एक्चुअल कंटेंट वाला सिग्नल है दैट इज MT कॉज ऑफ ओमेगा CT, उसके साथ एक कॉज ऑफ ओमेगा CT सिग्नल आप साथ में ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जब ये सिग्नल आपके चैनल में से गुजरेगा तो जो भी डिले या जो भी इश्यूज आएंगे वो आपके इस कॉज ऑफ ओमेगा CT के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जब भी डिले आएगा तो ये जो कॉज का सिग्नल है जो आपने साथ ऐड किया है इसके अंदर भी वो जब डिले आएगा तो आपके पास ऑलरेडी वो डिलेड कैरियर रिसीव हो जाएगा रिसीवर पे। तो रिसीवर पे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम एक नैरो बैंड पास फिल्टर यूज़ करेंगे और हम वो ओमेगा CT का सॉरी ओमेगा C का जो कंपोनेंट है जो इस कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस नैरो बैंड फिल्टर से एंड वी विल यूज़ इट हेयर फॉर द डीमॉड्यूलेशन पर्पस, ठीक है। तो एक सिंपल सा काम करने से कि हम इस कैरियर को अपने डाटा के साथ ट्रांसमिट कर दें हमारे पास कैरियर रिकवरी का जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाता है। तो चूंकि अब हम कैरियर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं कि नाउ दिस स्कीम इज नो लॉन्गर DSBSC, नाउ दिस इज ए डबल साइड बैंड विद लार्ज कैरियर। लार्ज कैरियर हम इसको क्यों कहते हैं कि ये जो हमने कैरियर कॉज ओमेगा CT भेजा है नॉर्मली हम इसका एम्पलीट्यूड एक रखते हैं विच इज A, और इस एक लार्ज एम्पलीट्यूड रखने की एक वजह होती है जो अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये लार्ज एम्पलीट्यूड आपको रिसीवर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने में यूज़फुल होता है। तो अब आप जो डाटा भेज रहे हैं, अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम को देखूं
एम ऑफ टी जो है वो आपके पास कॉज ऑफ ओमेगा सी टी के साथ मॉड्यूलेट हुआ, और फिर आपने उसको एक गेन ए से मल्टीप्लाई करके आपने इसमें ऐड कर दिया. सो नाउ योर इक्वेशन विल बिकम एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ए टाइम कॉज ऑफ ओमेगा सी टी. दिस एक्सप्रेशन इज फॉर योर डी एस पी एल सी इन टाइम डोमेन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली आपके सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है. सो जब हम ए एम की बात करेंगे विच इज़ अ डबल साइड बैंड एंड लार्ज कैरियर, तो आप बेसिकली क्या होगा कि आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा उसी तरह रहेगा, बट नाउ यू विल हैव दीज लाइन स्पेक्ट्रास हेयर, क्योंकि ये लाइन स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने कैरियर को साथ में ट्रांसमिट किया हुआ है. सो नाउ दिस इज योर अपर साइड बैंड, दिस वन एंड दिस वन, एंड दीज आर योर लोअर साइड बैंड्स, एंड दीज एरोज दे रिप्रेजेंट योर कैरियर. तो मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा, क्योंकि मैं ए एम को ए एम भी कहता हूँ, फुल ए एम भी कहता हूँ, और डी एस पी एल सी कहता हूँ, तो मैथमेटिकली आई कैन राइट इट एज फाई विद ए सब्सक्रिप्ट ए एम इज इक्वल टू, आपने क्या किया कि जो आपका डी एस पी एस सी का सिग्नल था विच वॉज एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, इसके साथ आपने कैरियर को साथ में ट्रांसमिट कर दिया, और वो कैरियर अब आपका क्या है, इट इज़ ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज, जो कि इस वक्त हमने जीरो कंसिडर किया हुआ है. तो अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूँ तो दिस डी एस बी एस सी इज एम टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी एंड दिस कैरियर इज ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी. तो आई नो कि इस एक्सप्रेशन के अंदर से मैं कॉज ऑफ ओमेगा सी टी को कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉज ऑफ ओमेगा सी टी इधर भी है, कॉज ऑफ ओमेगा सी टी इधर भी है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आती है इट कम्स आउट टू बी एम टी प्लस ए इंटू कॉज ऑफ ओमेगा सी टी. तो अगर मैं गौर से देखूँ ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन रही है, इट एक्चुअली टेल्स मी कि जो आपका मैसेज सिग्नल है आप इसके अंदर एक डी सी कॉम्पोनेंट ऐड कर दें, क्योंकि ए जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो नाउ दिस हैज़ बिकम योर मैसेज सिग्नल, और इसको मैंने एक कॉज ऑफ ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है. तो अपेरेंटली मेरा जो डी एस बी एल सी का सिग्नल है वो आपके एक्चुअल डी एस बी एस सी के हार्डवेयर को चेंज नहीं करता, कि अभी भी आपको सिंपल एक मल्टीप्लायर चाहिए, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मल्टीप्लायर चाहिए, या आपके पास एक नॉन लीनियर डिवाइस होनी चाहिए, या आपके पास स्विचिंग सर्किट होना चाहिए, तो हो यहाँ पे भी मॉड्यूलेशन मल्टीप्लीकेशन ही रही है. द ओनली डिफरेंस इज कि जो ये नया आपका मैसेज सिग्नल आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ओरिजिनल मैसेज के अंदर आपने एक डीसी कंपोनेंट ऐड कर दिया है. इट इज़ इसको सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल ये था, अगर आप उसके अंदर एक डीसी कंपोनेंट ऐड कर देंगे, तो फॉर एग्जांपल दिस इज ज़ीरो और वो डीसी कंपोनेंट है ए, तो अब आपका जो साइनोसाइडल है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. सो आपने अपने सिग्नल में एक डीसी कंपोनेंट ऐड कर दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग एल्स बट साइन ओमेगा सी टी, और ये जो है दिस इज ए प्लस साइन ऑफ ओमेगा सी टी. ठीक है, तो सिंपल अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल में एक डीसी वैल्यू ऐड कर दूं जिसकी वैल्यू ए है, और सिंपल एक डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर को दे दूं, यानी कि एक सिंपल मल्टीप्लायर को दे दूं, तो मेरे पास डीएसबी एलसी का सिग्नल जनरेट हो जाएगा, विच आई कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल, कि हमने अपने मैसेज सिग्नल में एक डीसी वैल्यू ऐड की और उसको एक डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर को दे दिया. तो इससे जो मुझे रिजल्टेंट मिल रहा है ये एक डीएसबी एलसी का सिग्नल है. यहां तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? क्लियर आप लोगों को? यस सर. ओके, तो अब मैं इस स्पेक्ट्रा का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी. दिस इज माय एक्सप्रेशन फॉर फाई ऑफ टी विच इज डी एस बी एल सी. तो हमें पता है एम टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इट इज दिस पार्ट हाफ स्पेक्ट्रा ऑफ द मैसेज सिग्नल एट एफ सी एंड स्पेक्ट्रा ऑफ मैसेज सिग्नल एट माइनस एफ सी.
और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो ये कोसाइन है। और हमें पता है कोसाइन जो है ये दो एक्सपोनेंशियल्स को रिप्रेजेंट करता है या डेल्टा फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कॉज ऑफ थीटा क्या होता है, इट इज़ ई रेस्ट पावर जे थीटा प्लस ई रेस्ट पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई टू। तो ये हो जाएगा 1/2 एक एक्सपोनेंशियल या डेल्टा फंक्शन एफ के ऊपर और एक माइनस एफ के ऊपर। और चूंकि ये ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है तो वी हैव एन ए ओवर हेयर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओवरऑल स्पेक्ट्रा होगा डी एस बी एल सी के केस में वो किस तरह होगा कि हमारे पास अगर ये मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा है एम ऑफ एफ, तो ये दो चीज़ें हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये सेंटर्ड होंगी एफ सी के ऊपर और माइनस एफ सी के ऊपर। और ये चीज़ें मैं बता रही है कि हमारे पास एक डेल्टा फंक्शन है एफ सी पे और एक डेल्टा फंक्शन है माइनस एफ सी पे, तो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दीज एरोज ओवर हेयर। तो ये मेरे पास फुल ए एम या ए एम या डी एस पी एल सी का जो स्पेक्ट्रा है इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब जो बात आती है आपके क्या नाम है द वैल्यू ऑफ ए की, कि ये जो हमने ए की वैल्यू लेनी है बिकॉज वी हैव कॉल्ड इट डी एस बी एस सी विद लार्ज कैरियर। लार्ज का मतलब है कि यू हैव सेलेक्टेड अ लार्ज वैल्यू ऑफ ए दैट हैज एक्चुअली मेड योर कैरियर लार्ज। तो ये डी एस बी एस सी की जो डी एस बी एल सी के अंदर हम जो ए की वैल्यू लेते हैं, इस ए की वैल्यू लार्ज लेने का हमें फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस। अगर हम टाइम डोमेन में बात करें, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फॉर यू गाइज। अगर हम मैसेज सिग्नल की बात करते हैं तो इस मैसेज सिग्नल को सिंपल डी एस बी एस सी के साथ मॉड्यूलेट करें, यानी कि सिर्फ मैसेज सिग्नल को कॉज ऑफ ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है कि द कैरियर विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। कि ये जो शेप है मेरे पास ये एग्जैक्टली वही है जो मेरे मैसेज सिग्नल की शेप है। लेकिन अगर मैं इस मैसेज सिग्नल के अंदर एक डी सी ऑफसेट दे देता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी एक्सप्रेशन होगी है एम टी प्लस ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, जो कि यहाँ पे हमने देख ली है। तो अगर मैं इसमें डी सी ऑफसेट दे देता हूँ तो इसका मतलब है कि जो हर एक सैंपल है वो शिफ्ट हो जाएगा एक डी सी ऑफसेट के साथ। तो जब आप डी सी ऑफसेट एक ख़ास वैल्यू तक आप अगर बढ़ा दें तो यू वुड सी कि ये जो शेप है इट वुड नाउ लुक समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप गौर से देखें, एक सर्टन वैल्यू ऑफ ए लेने की वजह से अब आपके पास जो टाइम डोमेन स्पेक्ट्रा आ रहा है, अगर आप इसके खाली इन्वेलप को देखें, यू कैन सी ये जो इन्वेलप है, यानी कि आप अगर इन साइनोसाइट्स की खाली पीक्स को ये अगर आप डिटेक्ट कर लें तो ये जो शेप आपको मिल रही है ये वही शेप है जो आपके मैसेज सिग्नल की है। जबकि ये जो आपके पास सिग्नल है अगर आप इसको देखें तो इसके जो इन्वेलप की शेप है इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखें, ये एनवेलप की शेप इज समथिंग लाइक दिस विच इज नॉट इक्वल टू योर मैसेज सिग्नल। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू एक खास वैल्यू पे मैं रखता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि अब जो मेरे पास कैरियर का जो एनवेलप है, नाउ दिस एनवेलप इज एक्चुअली टेकिंग द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो अब इस केस में आपको कोहेरेंट डिटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि कोहेरेंट डिटेक्शन आपको क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आप कैरियर को साथ में ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू हैव यू कैन से अ कैरियर रिकवरी सिस्टम। आप चूंकि कैरियर को साथ भेज रहे हैं तो आप सिंपल उसके साथ डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। लेकिन डीमॉड्यूलेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि आप अपने एक मॉड्यूलेटर लें, उस ये जो कैरियर आप साथ भेज रहे हैं दिस वन, ये आप यहाँ पर यूज़ करें फॉर डीमॉड्यूलेशन और एक फिर लो पास फिल्टर से इसको गुजार दें तो यू विल गेट योर मैसेज सिग्नल। लेकिन अभी हमें एक एडिशनल फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर आप ए की वैल्यू एक ख़ास पॉइंट तक रखेंगे तो आपका जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसका जो एनवेलप है, दैट एनवेलप हैज टेकन द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल। सो अब आपको इस पूरे सिस्टम की नहीं ज़रूरत, आपको सिर्फ एक एनवेलप डिटेक्टर चाहिए। कि अगर आप अपने रिसीव्ड सिग्नल के एनवेलप को डिटेक्ट कर लें तो आपको मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा, दैट फर्दर सिंप्लीफाइड योर रिसीवर। अभी हम आगे देखेंगे कि ये एनवेलप डिटेक्टर कैसे काम करता है। तो अब इस केस में ना आपको कोई मल्टीप्लायर चाहिए, ना आपको कोई लो पास फिल्टर चाहिए, आपको सिर्फ
एक एनवेलप डिटेक्टर चाहिए, और हम देखेंगे कि वो एनवेलप डिटेक्टर फ्यू डिस्क्रीट कंपोनेंट से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है अगर आप एक ए की वैल्यू सफिशेंटली लार्ज ले लें। अगर आप ए की वैल्यू सफिशेंट लार्ज नहीं लेंगे तो आप ये सिंपल डीमॉड्यूलेशन वाला कॉन्सेप्ट तो वैसे भी कर सकते हैं कि जो भी कैरियर आपको मिल रहा है उसको दोबारा मॉड्यूलेट करें और लो पास फिल्टर से गुजार दें। लेकिन अगर ए की वैल्यू सफिशेंटली लार्ज है तो यू डोंट नीड टू यूज़ दिस मेथड, यू कैन ओनली यूज़ एन एनवेलप डिटेक्टर डायरेक्टली। अब लेट्स सी कि वो एनवेलप डिटेक्टर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो साइज ऑफ ए है, हाउ डज इट इफेक्ट द ओवरऑल सिग्नल। ठीक है, सो द साइज ऑफ ए अफेक्ट्स द टाइम डोमेन एनवेलप ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये मैं बात कर रहा हूँ फाई ऑफ टी की, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एनवेलप है उसको वो कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज़ देखें, जब आपके पास सिंपल डीएसपी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएसपी एससी, तो आपके पास एम ऑफ टी को कॉज ऑफ ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, और फुल एएम के केस में या जो डीएसपी एलसी का केस है कि मैं अपने मैसेज सिग्नल को एक डीसी ऑफसेट दे दूं और फिर उसको कैरियर के साथ मॉड्यूलेट करूं, तो मुझे ये फुल एएम का सिग्नल मिल गया और डीएसपी एलसी का सिग्नल मिल गया। दिस इज डीएसपी एससी सिग्नल। तो टाइम डोमेन में आपके स्पेक्ट्रा पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा, नाउ लुक एट दिस। अज्यूम करो कि ये आपका मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी, जिसकी शेप है इस तरह और फिर ये इस तरह मूव कर रहा है। तो अज्यूम कि ये इसकी पीक वैल्यू है, ये इसकी नेगेटिव पीक वैल्यू है। अब अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन मीट कर जाए, फॉर एग्जांपल कि आप ए की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करें कि जब आप इस मैसेज सिग्नल में इसको ऐड करें तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी इस सिग्नल के अंदर, दे आर नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि किसी भी टाइम के ऊपर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम टी, आपके पास ए प्लस एम टी जो है ये नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इस स्पेक्ट्रा इस सिग्नल को देखूं तो मुझे पता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये सारी वैल्यूज जो हैं, दीज आर ऑल ग्रेटर देन ज़ीरो, जो नज़र भी आ रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और इस पॉइंट से आगे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये जितनी वैल्यूज़ हैं, दीज आर ऑल लेस देन ज़ीरो, या ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ए की एक ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करें कि जो इस सिग्नल के अंदर एक डीसी ऑफसेट ऐड कर दे, तो मैंने कि ए की वैल्यू सिलेक्ट की विच इज़ नॉट सफिशिएंटली लार्ज, और बिकॉज ऑफ दिस मेरे पास कुछ वैल्यूज अभी भी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, विच आर स्टिल लेस देन ज़ीरो, या मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो अगर मेरे पास ए को ऐड करने के बाद फिर भी मेरे सिग्नल के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो अगर मैं इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करूं विद द कैरियर, तो मेरे पास इस तरह का एनवेलप बनेगा जो मैं यहां पर देख रहा हूं कि नाउ द कैरियर विल टेक द शेप ऑफ दिस सिग्नल। अब चूंकि मेरे पास यहां पर नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ये स्पेक्ट्रा यहां पर ये जो सिग्नल है ये यहां पर फ्लिप कर जाएगा, तो मेरे पास जो एनवेलप बनेगा इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, बिकॉज द कैरियर हैज टेकन द शेप ऑफ दिस सिग्नल। तो जो एनवेलप मेरे पास आ रहा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ट्रांसमिटेड सिग्नल। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करूं, यानी ये जो डीसी ऑफसेट दिया है ये मैं इतना ज्यादा दे दूं कि अगर ये डीसी ऑफसेट मैसेज सिग्नल में ऐड करने से तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं या ग्रेटर देन जीरो हो जाती हैं, लाइक इन दिस केस आई कैन सी कि जब मैंने ए की वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि अब जो सिग्नल है इसकी सारी वैल्यूज जो है दीज आर ऑल पॉजिटिव। सो अब जब मैं इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करूंगा तो आई कैन सी कि मेरे पास व्हेन द कैरियर विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल, इसका जो एनवेलप है, ये जो एनवेलप हमें नजर आ रहा है, इट इज सेम एज द एक्चुअल मैसेज सिग्नल। तो जो पहली कंडीशन हमें पता चलती है कि आपने ए की वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी है, वो ये है कि जब आप इस जो भी वैल्यू ए की सिलेक्ट करें, जब आपके मैसेज सिग्नल में वो ऐड हो तो आपकी तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। अगर ये कंडीशन मीट करेगी तो आप इस सिग्नल का एनवेलप डिटेक्ट करके अपने मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। और अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती, फॉर एग्जांपल ये वाला केस होता है, तो आप एनवेलप डिटेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आपने कैरियर को साथ ट्रांसमिट कर दिया है, हियर वी कैन सी
कैरियर आपने साथ ट्रांसमिट किया हुआ है, यू कैन इजीली परफॉर्म कोहेरेंट डिटेक्शन। जी सर, ये कोहेरेंट डिडक्शन जब करेंगे तो फेज डिफरेंट नहीं होगा कैरियर का? देखिए, मैंने आपको यहाँ पे यही बात की थी, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे कि जब आप अपने कैरियर को साथ में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारे पास जो कैरियर में डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल लेट मी गो बैक टू दिस स्लाइड, कि ये जो लोकल ऑसिलेटर है और ये जो लोकल ऑसिलेटर है, वी वांट बोथ द फ्रीक्वेंसीज टू परफेक्टली मैच, लेकिन चैनल की वजह से यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो कॉज ऑफ 2π एफ सी प्लस डेल्टा एफ की फॉर्म में मिल रहा है और उसमें कोई फेज डिफरेंस भी आया हुआ है, ठीक है। और ये फेज डिफरेंस किस वजह से आता है? चैनल की वजह से आता है। अब इसकी इनपुट पे जो सिग्नल मिल रहा है वो ये वाला है, लेकिन जिस सिग्नल से मैं इसको मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, सॉरी डीमॉड्यूलेट कर रहा हूँ, वो 2π एफ सी टी है। तो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो 1/2 एम ऑफ टी प्लस 1/2 आई थिंक इट वॉज एम ऑफ टी कॉज ऑफ 2ωCT, इस तरह की एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिलनी थी। ये हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि लो पास फिल्टर इस हायर फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट को तो डिस्कार्ड कर देगा और अपेरेंटली हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये मेरे पास फेज डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ द चैनल, तो मेरे पास ये जो लोकल ऑसिलेटर है इसकी वजह से यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये जो हमने कल बात की थी। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम ये जो चैनल है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, हम इसको भी ऐड कर देते हैं अपने मैसेज सिग्नल में। अब क्या होगा कि मेरे पास जो सिग्नल रिसीव हो रहा होगा वो होगा कॉज ऑफ 2πfc प्लस डेल्टा एफ, मेरे पास 0 है फॉर एग्जांपल, इसमें खाली एक थीटा फेज डिफरेंस ऐड हुआ हुआ है, ये मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, प्लस जो मेरे पास कैरियर है कॉज ऑफ 2πfct, जो मैंने ये वाला ऐड कर दिया था, जो डिले इस पार्ट में आया वो डिले इस पार्ट में भी आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा कि इट विल बी 2 cos of 2πfct प्लस थीटा नॉट इसके अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। अब मैं इस सिग्नल को एक नैरो बैंड फिल्टर से एक्सट्रैक्ट करके पहले यहाँ पे डीमॉड्यूलेट कर लूंगा, तो अब जो डिफरेंस दोनों के बीच में था वो खत्म हो जाएगा एंड आई विल नॉट हैव दिस थीटा, आई विल ओनली हैव दिस। बात समझ आई? यस सर। तो कैरियर को साथ भेजने का मकसद ये होता है ताकि आप कोहेरेंट डिटेक्शन कर सके विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स फेज रिकवरी सर्किट्री। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन मीट हो जाती है कि आपने जो कैरियर का एम्पलीट्यूड लिया हुआ है वो लार्ज इनफ है सो दैट ए प्लस एम टी इज ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में ऑल यू नीड इज टू डिटेक्ट द एनवेलप ऑफ दिस सिग्नल, ये जो आपको रिसीव सिग्नल मिला है। लेकिन अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती तो फिर आप एनवेलप डिटेक्शन नहीं कर सकते, आप उस कैरियर को यूज करेंगे जो हमने साथ में ट्रांसमिट किया था टू परफॉर्म कोहेरेंट डिटेक्शन। मीनिंग कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती ए प्लस एम टी नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कैरियर को रिकवर करेंगे एंड देन आप इसको दोबारा मॉड्यूलेट करेंगे यूजिंग दैट कैरियर और फिर एक लो पास फिल्टर यूज कर लेंगे, तो आपको वही मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मीट कर जाती है, यू डोंट हैव टू डू द कोहेरेंट डिटेक्शन, यू कैन यूज एनवेलप डिटेक्शन। वो एनवेलप डिटेक्शन क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट। लेट मी क्विकली टेक दी डाउन ऑन फुल एएम के केस में जो डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस है वो हम करते हैं यूजिंग एनवेलप डिटेक्शन, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो एनवेलप डिटेक्शन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कैसे करता है, विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो पहले मीट होना ज़रूरी है। सो अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एनवेलप डिटेक्टर कैन डीमॉड्यूलेट द एएम सिग्नल। एएम सिग्नल से मुराद है डीएसबी LC सिग्नल, जिसके अंदर आपने एक लार्ज कैरियर यूज़ किया है जिसके अंदर A की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आप तब यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है इट इज़ ग्रेटर देन दी बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये बात हम शुरू में भी कर चुके थे कि जब भी आप मॉड्यूलेशन करेंगे AM
तो आपके पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है इट हैज टू बी ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। क्यों, किसी को याद है? सर वो ओवरलैप हो जाता है। जी जी कि अगर आपके पास मैसेज सिग्नल अगर ये है और आप एफ सी की वैल्यू लेस देन बी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक स्पेक्ट्रा यूँ आ रहा होगा, एक स्पेक्ट्रा यूँ आ रहा होगा एंड यू विल बी हैविंग दिस ओवरलैपिंग एरिया अगर एफ सी इज लेस देन बी है। और अगर आपके पास एफ सी इज इक्वल टू बी है तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ये एग्जैक्टली जीरो पे टच हो रहा होगा व्हेन एफ सी इज इक्वल टू बी। और अगर आप एफ सी ग्रेटर देन बी कहेंगे तो आपके पास इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होगी विच वी वॉन्ट एक्चुअली। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये मीट होगी होगी, जब भी एम की बात होगी दिस कंडीशन मस्ट बी मेट। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास ए प्लस एम टी जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ये दो कंडीशंस अगर आपकी मीट करेंगी तो आप इनवैलिड डिटेक्शन कर सकते हैं। और पहली कंडीशन मीट करेगी तो आप सिंपल कोहेरेंट डिटेक्शन भी कर सकेंगे। अगर ये पहली कंडीशन ही मीट नहीं होगी तो आप इसकी डिटेक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपके पास जो एक सिंपल एनवेलप डिटेक्टर है वो इट इज़ नथिंग एल्स बट अ डायोड, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। सिर्फ ये तीन कंपोनेंट्स अगर आप यूज़ कर लें तो आप डीएसबी एलसी का जो सिग्नल है उसमें से अपना मैसेज सिग्नल रिकवर कर सकते हैं। एंड लेट्स सी ये कैसे हम करेंगे। सो ये जो आपके पास सर्किट होगा इसकी इनपुट पे एक डीएसबी एलसी का सिग्नल आएगा इसकी इनपुट के ऊपर, और ये इसकी इनपुट पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इनपुट सिग्नल आया। अब मैंने एक डायोड यूज़ किया, एक कैपेसिटर और एक लोड रेजिस्टेंस जो है मैंने यहाँ पे जो है वो लगा दी है। ठीक है, तो अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस मैं यहाँ पे आउटपुट मेजर करूँगा। तो ये जो वी नॉट है इट शुड बी माई एम ऑफ टी, कि इनपुट पर डी एस बी एल सी का सिग्नल मिला और इस रेजिस्टर के अगेंस्ट मुझे अपना मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये काम करता कैसे है, लेट मी क्लियर इट अप ताकि आपको क्लियर हो सके। तो हमें सबसे पहले तो पता है कि ये जो डायोड्स होते हैं ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा होगा कि अगर इसकी इनपुट पे जो यहाँ पे पोटेंशियल है यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो कम्पेयर टू दिस, यानी कि इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप तकरीबन 0.7 के करीब हो तो ये फॉरवर्ड बायस में जाता है, इट स्टार्ट कंडक्टिंग। अगर ये रिवर्स बायस में चला जाए तो ये एक ओपन सर्किट हो जाता है, ये कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, कि जब भी इनके क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप आता है तो वो उस चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टर्स होते हैं वो चार्ज को डेसिपेट करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके वी विल सी कि हाउ वी कैन एक्चुअली रिकवर अवर मैसेज सिग्नल फ्रॉम दी डीएसबी एलसी सिग्नल जिसके आपने ट्रांसमिट किया है एंड इसने रिसीव किया है। सो लेट्स सी, अज्यूम करो कि आपका ये फुल एएम का सिग्नल है जो ये ब्लैक लाइन के साथ रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि दिस एएम सिग्नल हैज़ टेकन द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल, और वो जो शेप है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनवेलप ऑफ दिस मैसेज सिग्नल, जिस तरह हमने ये पीछे यहाँ पे एग्जांपल देखी थी कि ये जो आपके पास सिग्नल है दिस वन ये आपको रिसीव हुआ है और इसका जो एनवेलप है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मैसेज सिग्नल इटसेल्फ, और ऑब्वियसली मैसेज सिग्नल प्लस द डीसी कंपोनेंट वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अज्यूम करते हैं, लेट मी क्लियर इट अ लिटिल बिट ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। सो जब आपके पास जो फुल एएम का सिग्नल है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ऑब्वियसली ये कंडीशन मीट हुई हुई है, उसका मतलब है जो सारी वैल्यूज होंगी दे आर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, दीज आर ऑल पॉजिटिव। तो जिस भी पॉइंट पे आपके पास इनपुट सिग्नल जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है और जो आउटपुट सिग्नल है वो फॉर एग्जांपल वी नॉट है, ये जो आउटपुट आपको मिल रही है क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे है वी नॉट वही वैल्यू यहाँ पे आपके पास, बिकॉज ये यही वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही होगी। तो अज्यूम करते हैं कि कोई भी वैल्यू वी नॉट के ऊपर आपके पास है जो कि इस ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हुई हुई है। सो फॉर एग्जाम्पल
एक पॉइंट इसकी बात हम करते हैं एट दिस पॉइंट। अब ये जो एम का सिग्नल है ये इस तरह वेरी करते 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 इस पॉइंट पे जब पहुंचा, द मोमेंट आपके पास मैसेज से ये जो फुल एम का सिग्नल है इसका वैल्यू बढ़ती गई, लेट मी क्लियर इट अ लिटिल बिट, ओके ओके। अब आप इस पॉइंट पर अगर बात करें, बिकॉज दिस इज टाइम स्केल, ठीक है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अ लिटिल बिफोर दिस डॉटेड लाइन, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो आई कैन सी कि ये जो मेरा ब्लैक लाइन है इसका पोटेंशियल ड्रॉप ये है, या जो जो उसकी वोल्टेज लेवल है वो ये है, और जो इस वक्त वी नॉट की वैल्यू थी अज्यूमिंग के वो वैल्यू ये है, ठीक है। अब मुझे आप ये देख के बताएं वी नॉट की वैल्यू बड़ी है या मेरे डीएसपी एससी सिग्नल की वैल्यू बड़ी है? सर वी नॉट की, ये स्केल समझ ले ऐसा है कि वाई एक्सिस पे वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो इस पॉइंट से पहले मुझे पता चल गया कि जो वी नॉट है इट इज ग्रेटर देन योर फुल एएम का जो सिग्नल है उसकी वोल्टेज से इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसकी इनपुट पे जो पोटेंशियल है ये कम है और यहाँ आउटपुट पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो ये जो डायोड होगा ये क्या होगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। यस सर, राइट, रिवर्स बायस में जाएगा, इसका मतलब है ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और जो भी वी नॉट है वो आपको यहाँ आउटपुट पे मिल रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस डॉटेड लाइन पे पहुंचता हूँ तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाता है। अब मुझे नजर आ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो एम का सिग्नल है और जो वी नॉट है वो बराबर हो गए हैं। द मोमेंट योर, यानी इससे अगला जो इंस्टेंट है जिस पे ये एम सिग्नल जो है ये थोड़ा सा बढ़ता गया, तो अब आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा है और यहाँ पे वोल्टेज रिलेटिवली कम हो गया है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, सॉरी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास ये जो डायोड है ये अब फॉरवर्ड बायस में चला गया है, और ये कब होगा कि जब आपके पास जो इनपुट सिग्नल है विच इज योर डीएसपी एलसी सिग्नल, इसकी वोल्टेज आपके वी नॉट की वोल्टेज से जैसे ही बढ़ जाएगी तो हमारे पास ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तो ये जगह कंडक्ट करना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये वैल्यू फॉरवर्ड बायस में जाएगी तो क्या होगा, डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आना शुरू हो जाएगी तो वो वोल्टेज ड्रॉप इस कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगी, और कैपेसिटर पे जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज, ठीक है। तो अब जो वैल्यू कैपेसिटर की चार्ज हो रही है ये वही वैल्यू है जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वी नॉट को शो कर रही है। तो क्या होगा कि मेरे पास एक चार्जिंग साइकिल शुरू हो जाएगा, ये जो सी का साइकिल है, चार्ज साइकिल। तो क्या होगा कि मेरे पास कैपेसिटर जो ये चार्ज होते 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 इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ दिस चार्ज साइकिल। अब चूंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वी नॉट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ए एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है आउटपुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही हम ये इस इंस्टेंट पे पहुंचेंगे, अब हमें नजर आ रहा है कि जो मेरा ए एम का सिग्नल है नाउ इट हैज ड्रॉप्ड। जैसे ही ये वैल्यू ड्रॉप हो गई टू दिस पॉइंट, लेकिन जो मेरा वी नॉट था ये तो उस कैपेसिटर ने वो चार्ज स्टोर किया हुआ है, तो माय ब्लू लाइन एक्चुअली शोज मी कि मेरे पास वी नॉट की वैल्यू इज नाउ लार्जर देन द इनपुट वोल्टेज। सो जब आपके पास क्वाम, ये जो आपके पास डीएसपी एससी का सिग्नल, डीएसपी एलसी का सिग्नल है, या ये नेगेटिव हो जाए, जो कि इस केस में नहीं होगा क्योंकि हमने ए की वैल्यू हायर ली हुई है, या फिर आउटपुट की वोल्टेज आपके इनपुट की वोल्टेज से बढ़ जाए, तो इस केस में क्या होगा, अब आपका ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो आपके पास डायोड जो है वो रिवर्स बायस में चला गया और अब वो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा होगा तो जो भी चार्ज आपके इस कैपेसिटर ने स्टोर किया हुआ है, आपको पता है इस कैपेसिटर का एक टाइम कॉन्स्टेंट होता है, दैट एक्चुअली डिफाइंस कि ये किस रेट से डिस्चार्ज होगा। तो ऐसा ऐसा आपका ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलती जा रही है। दिस इज नोन एज योर डिस्चार्ज साइकिल।
ये डिस्चार्ज होता जाएगा ऐसा ऐसा वैल्यू, और इतनी देर में आपका ये जो इनपुट सिग्नल है ये काम होते 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 इस पॉइंट में फिर इसको क्रॉस करेगा तो आपका डायोड फिर फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और ये कैपेसिटर उस चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगा, करते करते इस पॉइंट तक स्टोर करेगा। जैसे ये साइकिल कम हो जाएगा आपके पास डायोड फिर रिवर्स बायस में चला जाएगा और आपके पास जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा अपने आप को, एंड सो फोर्थ। तो ये जो आपके पास, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन, तो ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन एक्चुअली शोज यू द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट जो कि इस ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपके पास ये इनपुट सिग्नल है वो ये ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है। तो एक्चुअली में जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो इस किससे रिप्रेजेंट हुआ है, ई ऑफ टी, विच इज शोइंग यू कि ये आपका एनवेलप इस शेप का है, सॉरी लेट मी, यानी जो ई ऑफ टी का सिग्नल है दिस इज द डिजायर्ड सिग्नल और दिस इज द सिग्नल विच वी आर गेटिंग राइट नाउ, जिसके अंदर आपके पास ये थोड़े से रिपल्स आ रहे हैं, यानी कि एक ये रिपल आया, फिर ये रिपल आया आपके पास, फिर ये रिपल आया हुआ है, ठीक है। बट वी कैन सी कि ये जो आउटपुट है इसकी शेप सम हाउ रिजेंबल कर रही है मेरे ओरिजिनल सिग्नल के साथ, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाती है कि हम इन रिपल्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी इस तरह के रिपल्स होते हैं दे एक्चुअली रिप्रेजेंट हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स रिलेटिवली, कि अगर आपके पास मैसेज सिग्नल जो है, मैसेज सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी है FM, तो ये जो रिपल्स हैं दे वुड शो कि आपके पास जो मैसेज सिग्नल है इसके अंदर कोई F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरह के कोई कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं जिनकी वजह से आपकी वेव की शेप इस तरह की बन रही है। तो अगर मैं इस सिग्नल में से अपना मैसेज सिग्नल निकालना चाहता हूँ तो व्हाट काइंड ऑफ फिल्टर आई नीड, लो पास, सिंपल एक लो पास, लो पास बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है ये एक बेस बैंड सिग्नल है और ये लो फ्रीक्वेंसीज पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर मैं एक लो पास यूज करूं और इसकी कट ऑफ क्या रखूं, एटलीस्ट बी, एटलीस्ट बी, अगर मैं एटलीस्ट बी एक लो पास फिल्टर रख लूं तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हायर हैं मैसेज सिग्नल से ये सब फिल्टर आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये स्मूथ लाइन आ जाएगी विच इज माई डिजायर्ड सिग्नल, ठीक है। लेकिन आई थिंक हम आगे ये बात करेंगे, हाँ चलो यही बात कर रहे हैं हम आगे, कि जो आउटपुट ऑफ दिस एनवेलप डिटेक्टर है, नंबर वन इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक तो इसमें रिपल्स हैं और इसमें एक डीसी कंपोनेंट भी, अगर आपको याद हो हमने ए प्लस एमटी किया था, ठीक है, तो हमने इसमें से ये ए का कंपोनेंट भी तो निकालना है ताकि हमें ये एम ऑफ टी मिल सके। तो पहली चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि ये जो रिपल्स है ये हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लो पास फिल्टर, और हम डीसी को कैसे निकाल सकते हैं, कैन एनीवन टेल मी, कैपेसिटर लगा के, जरा ऊंचा बोले, कैपेसिटर लगा के रिमूव कर जी सकते हैं। जो कैपेसिटर है, अ सिंपल कैपेसिटर इज अ डीसी ब्लॉकर, और अगर हमने एसी को ब्लॉक करना होता है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, इंडक्टर यूज, इंडक्टर यूज करते हैं, गुड गुड। तो सिंपल डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर वन यूज अ लो पास फिल्टर टू स्मूथ द रिपल्स, और यूज अ डीसी ब्लॉकिंग यूनिट जो कि कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ कैपेसिटर। तो आपने ये जो एक एनवेलप डिटेक्टर यूज किया जिसके अंदर एक डायोड, कैपेसिटर और एक रेजिस्टर था, इसके आउटपुट पे आपको एक सिग्नल वी नॉट मिल गया, बट दिस वी नॉट हैज रिपल्स एंड इट हैज अ डीसी कंपोनेंट। आप इसको एक लो पास फिल्टर से गुजारें तो रिपल्स रिमूव हो गए और फिर एक डीसी ब्लॉकिंग सर्किट है, यानी कि सिंपल एक कैपेसिटर है वो आप यूज कर लें, इसके आगे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दी है तो आपको एक डीसी ब्लॉकिंग यूनिट मिल गया, तो आपके पास सिंपल जो है वो मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। और अगर आप गौर से देखें ये जो डीसी ब्लॉकिंग यूनिट है इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑफ ए हाई पास फिल्टर, जो लो पास फिल्टर होता है वो कैसे होता है, एक रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, दिस इज ए सर्किट फॉर ए लो पास फिल्टर। अगर आप इनकी पोजीशंस चेंज कर दें तो इट बिकम्स अ हाई पास फिल्टर, और हमें बेसिकली एक हाई पास फिल्टर ही चाहिए क्योंकि हमने डीसी को ब्लॉक करना है, और एल्स यू कैन जस्ट पुट अ कैपेसिटर लाइक दिस एट द आउटपुट
तो आपको मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा. क्लियर? जी सर. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कोहेरेंट डिटेक्टर जहां पे आपको एक मल्टीप्लायर चाहिए एक लो पास फिल्टर चाहिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कोहेरेंट डिटेक्टर आपने ये सारा प्रोसेस जो है यानी एम ऑफ टी और यहाँ पे कॉज ऑफ ओमेगा सी टी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोहेरेंट डिटेक्टर आपने एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट ये तीन डिस्क्रीट कंपोनेंट इधर यूज़ कर लिए, एक लो पास फिल्टर यूज़ कर लिया और दो डिस्क्रीट कंपोनेंट इधर यूज़ कर लिए, तो आपका सर्किट और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है कंपेयर टू अ कोहेरेंट डिटेक्टर. लेकिन इस एनवेलप डिटेक्टर को यूज़ करने के लिए ए प्लस एम टी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ठीक है, आगे बस इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. जी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, हमारा 10:30 पीएमएस का लेक्चर है. चलो ठीक है, हम यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं, इससे आगे हम जो है कल इंशाल्लाह 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चले थैंक यू वेरी मच. जी सॉरी, फिर कल 12 रबी अल अव्वल है, कल छुट्टी नहीं है? छुट्टी है, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है कि हम लेक्चर नहीं ले सकते. सर एक तो मेट हो रहे हैं, उसकी भी तैयारी करनी है और 12 रबी अल अव्वल भी है, तब भी नहीं. एग्जैक्टली सर, बाहर जाना. तो देखिए उसका भी मेकअप अपने बाद में अरेंज करना है, तो मेकअप से बेहतर है आप सुबह 1 घंटा स्पेयर नहीं कर सकते इसके लिए. सर मेकअप ज्यादा बेहतर है, सर मेकअप ज्यादा बेहतर है, सर मेकअप ले लेंगे. सर वो सुबह सुबह क्लास में हो गया, सर मेकअप सर 8 बजे यहां से ये बोल. अच्छा चलो, बाकी हमारे लेक्चर कोई नहीं है. ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, दैट्स फाइन. आपका मिड है किस तारीख को कम्युनिकेशन सिस्टम्स का? मंडे को. ओके ठीक है, कल हम लोग लेक्चर नहीं लेंगे, अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है यहाँ तक हम मंडे को इसमें से हम एक मिड टर्म रखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको शेयर कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर ही कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह हम कंडक्ट करेंगे ईच एंड एवरीथिंग. तो आप अभी तक जितना हमने टॉपिक्स कवर किए हैं अप टिल DSBSC वहाँ तक आप जो है प्रिपेयर करेंगे अपने आप को. चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे इंशाल्लाह. जी जी जी, चले देयर इज नो क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे. काइंडली पेपर का पैटर्न तो काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे. जी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस में सारी डिटेल डिफाइन कर दूंगा कि पैटर्न क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू और क्या क्या चीजें मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट. आप बस प्रिपेयर करें अभी तक का जो कंटेंट है उसको एंड डू द एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स फॉर योर प्रैक्टिस. जी सिलेबस थोड़ा कम हो सकता है, सिलेबस हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है. आपने चैप्टर 2 की भी असाइनमेंट कर ली है, चैप्टर 3 जो है उसकी असाइनमेंट भी इस फ्राइडे को ड्यू है और एक टॉपिक है जो हमने चैप्टर 4 में किया, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू रिड्यूस दिस द कंटेंट. अगर आपने असाइनमेंट्स खुद की भी हैं तो यू डोंट नीड टू वरी. नहीं सर वो तो खुद किए हैं, लेकिन फिर भी सर दोबारा करना तो पड़ता है ना वो चैप्टर. आई डोंट थिंक सो, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. दिस इज नॉट समथिंग जो आपने क्रैम किया हुआ है तो आपने उसको दोबारा से फ्रेश करना है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव. चले ठीक है, आई थिंक यू विल बी गेटिंग लेट फॉर योर नेक्स्ट क्लास, तो इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन मंडे. और नेक्स्ट वीक फिर हम नेक्स्ट वीक तो क्लासेस नहीं होंगी, बट इफ़ यू वांट हम लोग अगर 1 घंटा स्पेयर कर सके तो वी कैन हैव इट नेक्स्ट वीक, अदरवाइज उससे अगले हफ्ते जो है हम मेकअप रख लेंगे इंशाल्लाह जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी. ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.